तो क्या आपने पबजी इंस्टॉल कर लिया भाई, यानी BGMI? नहीं ना, तभी तो यहाँ पे हो। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी तलाश अब पूरी हुई। ठीक है, अब है क्या कि यार बहुत लोगों के फोन में जो अभी मेन बात है कि ये ऑफिशियली जो है, मतलब जो ऐप है वो प्रॉपर ये बेटा वर्जन है, टेस्टिंग वर्जन जिसे हम लोग कहते हैं, जो अर्ली एक्सेस है, ये वो अभी अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने प्री रजिस्टर कर लिया था उनके लिए ये अवेलेबल है, पर उनमें से भी बहुतों पे अभी नहीं दिखा रहा इंस्टॉल का ऑप्शन। पर जिन लोगों ने प्री रजिस्टर नहीं किया था भाई, उनका पता नहीं, वो अभी कुछ कह नहीं सकते। पर देख लो, मतलब ये अवेलेबल हो चुका है फ़ोन पे और प्ले भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर बहुत लोगों के लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है इंस्टॉल के लिए, जो बेटा वर्जन है यानी जो टेस्टिंग वर्जन है। पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, भाई है तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारे फ़ोन में भी, तो देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है इसे डाउनलोड करने का, इंस्टॉल करने का, जो बेटा वर्जन है इसका, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से जाके एक बार क्लिक करोगे, वो डायरेक्ट आपको उस पेज पर ले जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेना। और अरे भाई, मतलब की बात हो गई, बस निकल ली है लिंक पे, रुक जाओ भाई। अभी अगर चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो और वीडियोस को लाइक भी करो। और जैसा कि देख सकते हो यार, अभी आप लोग भी न्यूज़ देख रहे होगे कि मतलब बहुत जगह से र्यूमर्स आ रहे हैं, अफवाह हो रही है कि ये बैन भी हो सकता है या बैन होगा। बहुत सारे यूट्यूब्स पे आपने वीडियो भी देख, यूट्यूब्स पे नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे आपने कि ये बैन भी हो सकता है। और देख सकते हो आप, जैसा कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो सेम टू सेम पिछली बार की तरह है, मतलब जो लास्ट टाइम था सेम टू सेम, इसमें कुछ भी चेंजेस मेरे को तो नहीं देखने को मिले। और मेरे को लगता है भाई सेम वही जो इसमें मैप्स वगैरह थे, सेम टू सेम सारे वही हैं। तो मेरे को लगता है इन्होंने बस कुछ कंपनी का जो नाम था, यानी चाइनीज़ कंपनी का जो नाम था, उसे हटा के बस इन्होंने रीलॉन्च कर दिया है। तो पर भाई बदलते भी क्या, ये भी तो बात है, सेम पबजी ही आने वाला था, तो मैप्स वगैरह, कैरेक्टर, सब कुछ, एनिमेशंस वगैरह सब कुछ सेम है। पर इसी चीज़ को लेके हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि ये मतलब प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कुछ बदला ही नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सेम टू सेम पिछला वाला पबजी ही है। तो अब नहीं पता, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी शायद से आया है कि इसे बैन करना चाहिए या नहीं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है वैसे। पर होप करते भाई कि ये आए, मतलब इसका जो लीगल है, मतलब ये भी लीगल ही है, पर एक होता है ना जो इंस्टॉल के लिए अवेलेबल हो जाए, वो जल्दी ही हो प्ले स्टोर पे, हमें डायरेक्ट सारे फ़ोन्स में इंस्टॉल हम कर पाएँ और इस बार ये बैन ना हो। उम्मीद तो आप लोग भी यही कर रहे होंगे, पर कुछ कह नहीं सकते भाई। और एप्पल iOS वालों भाई, उनका अभी पता नहीं भाई, उनका अभी तक कुछ नहीं मालूम, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि iOS वालों के लिए कल डायरेक्टली अवेलेबल हो जाए ऐप स्टोर पे। तो कुछ कह नहीं सकते, मे बी हो भी सकता है अवेलेबल। और एंड्रॉयड वालों, जिस पे जिन जिन लोगों ने ये कर लिया इंस्टॉल और जो खेल पा रहे वो तो बहुत ही बढ़िया, और जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाओ क्लिक करो और आप भी कर लो, मज़े करो भाई जब तक अवेलेबल है। पता नहीं कभी रातों रात ये बंद हो जाए, फिर से वही सर्वर वाला प्रॉब्लम होने लगे, नहीं मालूम भाई। और ये भी कब अवेलेबल होगा, शायद एक दो दिन में हो ही जाना चाहिए, ये अर्ली एक्सेस है और अभी तक शायद 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इस बेटा वर्जन के, यानी टेस्टिंग वर्जन के। तो सोच सकते हो भाई कितना क्रेज है हमारे इंडिया में। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही कहना था। और अगर आप चैनल पे नए हो एज़ यूजुअल भाई, कर दो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भाई बहुत ज़्यादा और हो गया, ठीक है भाई, थैंक यू। और बस इतना ही आज के लिए, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग एंड स्टे सेफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू।